नमस्कार दोस्तों, आज आपको उस डीसी पावर सप्लाई के बारे में बताते हैं जो इसके पहले वाली वीडियो में जहाँ पे हमने जो है ये इसका डायग्राम और क्लियर किया था, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इसमें क्लियर नहीं दिखा था, तो ये आपको हम दिखा दें। ये जो हमने डिज़ाइन किया है एक बोर्ड पे, यानी जो इलेक्ट्रिक हमारा स्विच बोर्ड होता है ये इस टाइप का, तो इसको हमने क्यों चुना है इसको हम अभी आगे बताते हैं कि ऐसा क्यों किया है। देखिए, ये हमने जो है इसे डिज़ाइन किया है, और ये डिज़ाइन इसलिए किए हैं क्योंकि इस समय जो मार्केट में 5,000 6,000 7,000 रुपये के जो सप्लाई मिलते हैं, उसे हम एक छोटे से कंफर्टेबल कैसे बनाएं कि उसे हम कई मतलब किसी जगह पे यूज़ कर सकें उसे, या अपने पॉकेट में भी रख के हम कहीं भी ले जा सकते हैं या कहीं भी उसे यूज़ कर सकते हैं, जो रखने में काफ़ी इजी हो। ऐसे क्या होता था कि वो सप्लाई आपको दूर कहीं रखना पड़ता था, उसमें प्रॉब लगाना पड़ता था। अभी ये फ़िलहाल अन कंप्लीट है, ये पूरी तरीके से डिज़ाइन नहीं, लेकिन इसके रूप आप चेंज कर सकते हैं, वो हम अभी आपको इसमें बता रहे हैं कि देखिए ये क्या है कि जब हमको आवश्यकता लगी और हमने जो है उसके प्राइस और उसके आकार यानी साइज़ को देखा, वैसे इसमें दो डिज़ाइन आपको मिलेंगे मेरे पास, एक ट्रांसफार्मर के हैं और एक ये है, और इसमें एक सैंपल अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो देखिए, जैसे हमने इसको इसमें डिज़ाइन किया इस बॉक्स में, तो अब आप इसके बॉक्स के शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो वायर निकले हैं जिससे हम इसको टेस्ट के रूप में दो वायर यूज करते हैं, ये प्लस और माइनस का वायर, और एक वायर यहाँ पर है लीड के रूप में जिसमें हम यहाँ पे 12 वोल्ट या हमारा 19 वोल्ट या 24 वोल्ट या 30 वोल्ट तक आप यहाँ पे जो है कोई भी डीसी सप्लाई इन कर सकते हैं, वो चाहे बैटरी से चाहे अडाप्टर से, आप किसी भी सोर्स से डीसी सप्लाई यहाँ पे इन कर सकते हैं 30 वोल्ट तक मैक्सिमम, और यहाँ पे आप आउटपुट जो है 1.1 वोल्ट से 28 वोल्ट और जो है 8 एम्पियर यानी 10 एम्पियर मैक्सिमम ले सकते हैं, लेकिन 8 ही इसलिए कर रहे हैं कि उसमें ये सेफ रहता है। अब आ रही है बात इसमें फ़ैन की, तो अगर हम इसे 5 एम्पियर तक ही यूज करते हैं इसमें, तो कोई फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़ैन आपको लगाना है तो, या एम्पियर बढ़ाना है तो फ़ैन लगाना पड़ेगा। फ़ैन लगाने के लिए इसके एक और बॉक्स आते हैं, उसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं, और डिज़ाइन इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कोई चीज़ नया बनाते हैं उसको आकार देते हैं, तो आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए ये फ्रंट है, और फ्रंट पे हमने जो है यहाँ पे कागज़ से यानी ये जो कार्ड का कुछ पेपर है इसे हमने जो है काट कर इसको डिज़ाइन किया है। देखिए यहाँ पे जैसे हम ऐसे देखें, ये यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, ये ऐसे प्लेन हो जाएगा ये, ठीक। अब यहाँ पे आप जो है इसके जो कंट्रोल है यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसका जो ये है वायर यहाँ पे आप इसके सॉकेट को भी लगा सकते हैं, और ये जो निकला हुआ है यहाँ पे सॉकेट लगा सकते हैं। अब इसके अगर मॉडल को चेंज करें तो देखिए ऐसे ये हो गया इस कलर का, फिर इसे चेंज कर देते हैं, देखिए ये वाइट कलर का, अब इसे फिर चेंज कर देते हैं, ये देखिए येलो कलर का, ऐसे। अब इस पर आप कोई भी इसमें आकार दे सकते हैं, वैसे मार्केट में जो है ये कंप्यूटर से डिजाइन हो जाता है, जैसे सबसे बेस्ट इस पर ब्लू कलर या डार्क रेड जो है सबसे मस्त जो है इस पर लगेगा। फिर हम नेक्स्ट आते हैं एक सिंपल कलर ऐसे, ठीक। अब ये हमारा जो साइज में एक परफेक्ट साइज है कि आप कहीं भी इसको रख के आप जो है रिपेयरिंग के लिए कोई भी मदरबोर्ड या कहीं भी कोई सप्लाई, अगर हम आपको ये एक सेकंड हम आपको ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आप ये सैंपल आपके पास ये जैसे मल्टीमीटर होता है ऐसे एक ये टूल्स हो गया। अभी टूल्स आपका ये एम्पियर कंट्रोल और वोल्टेज कंट्रोल डीसी ये वर्क करेगा, और कहीं भी आपको जहाँ पे सप्लाई एब्सेंट हो वहाँ पे इसके सेटिंग करके आप वहाँ पे सप्लाई देकर उसे क्लियर कर सकते हैं। वो 1 पॉइंट वोल्ट से लेकर 28 वोल्ट तक इसके जो है
आप अच्छे रिस्पांस ले सकते हैं किसी भी मदरबोर्ड पे जो इसके जो लिमिट वोल्टेज है इसके अंदर अगर आते हैं तो। अब इससे और भी स्मार्ट तरीका, इसको और अधिक एम्पियर यानी 10 एम्पियर पे भी अगर बनाना हो तो उसको भी हम बताएंगे। और ट्रांसफार्मर की सप्लाई और इसे SMPS पावर सप्लाई और इसमें क्या डिफरेंस है इसका भी हम प्रैक्टिकली वीडियो देखेंगे, लोड देकर आपको दिखाएंगे रिस्पांस क्या होता है और क्या इफ़ेक्ट होता है, किसकी क्वालिटी बेस्ट है। तो ये है आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस टाइप की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उसका जो नोटिफिकेशन है, जैसे हमने देखा है कि कुछ लोगों के वहाँ पे शो कर रहा था कि कुछ लोगों के जो है जो हमारा बेल आइकन होता है वहाँ पे प्रेस नहीं किया गया, जिससे नोटिफिकेशन उन लोगों तक नहीं पहुँच पाता। तो ये संख्या ज़्यादा है जहाँ पे बेल आइकन या तो भूल से नहीं प्रेस किए होंगे, जो नहीं किए होंगे वो कंफर्म कर सकते हैं कि डबल क्लिक करेंगे तो वो बेल आइकन का जो वो लोगो है वो चेंज हो जाएगा, यानी जो बेल आइकन ऐसे पड़ा रहेगा उसके किनारे ऐसे हो जाएंगे। तो ये हमारा ये हुआ कि ये ऑलरेडी ऑन हो गया नोटिफिकेशन। अब कोई भी वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आप तक जस्ट पहुंच जाएगा। और एक आपको खास न्यूज़ बता दें, जो 24 में आप इंटर होंगे यानी जब हमारा 2024 आएगा तो उसमें बहुत कुछ सारे मॉडल बिजनेस मॉडल चेंज हो चुके होंगे। तो इसमें क्या है कि हम पहले आपको एक चीज़ बता दें कि देखिए, जैसे पहले हमारे वाहन जो सड़क पे चलने वाले हैं जैसे ये गाड़ियां हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो इनकी वैलिडिटी होती है कि इतने दिन बाद इनको जो है मतलब स्क्रैप में जाना है। तो ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गए हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हुए, फ्रिज हुए और TV हुए, मोबाइल हुए, इनकी सबकी एक लाइफ वैलिडिटी दी गई है और जो कि वो लागू भी हो गया है। आप उसके बारे में परफेक्ट देख सकते हैं, जैसे कुछ का अभी हम भी उतने ही सुने हैं कि जैसे 5 साल हमारा जो है मोबाइल का हो गया, 7 साल हो गया ये हमारा AC और फ्रिज TV, अभी इतना हमारे पास जो न्यूज़ आया है जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपका, जैसे पहले था कि हम चाहे जो रखे रहें, जैसे राजदूत होता था कि हमारे बाबा के बाबा का है तो हम उसको बहुत से रिपेयर करा के रखे रहते थे, लेकिन अब वो समय जो है नहीं है, अब आपको स्क्रैप में देना होगा। और ये सारी कंपनियां जो, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी इन्वर्टर बेची, अगर 100 इन्वर्टर बेचा है तो उनको 70% यानी जो उसका 100 में 70 जो है 5 साल बाद जैसे जमा करने होंगे, स्क्रिप्ट में दिखाने होंगे और वो जो कस्टमर को दिए होंगे वहाँ से रिटर्न वापस लेने होंगे, और कस्टमर को उसके बदले में कुछ कट करके जो है, या जैसे भी जो न्यूज़ हमको मिला है उस हिसाब से बता रहे हैं कि आपको जो है नए जो है लेने पड़ेंगे यानी नए डिवाइस। और वो एक प्रकार से सही भी है क्योंकि आने वाले समय में जो ये डिज़ाइन भी हो रहे हैं तो इनके लिमिटेशन भी हैं, जैसे पहले जो थॉट्स रखे जाते थे 10 ईयर 15 ईयर की 10-15 साल जो हमारे चले हैं, लेकिन अब क्या है हर कंपोनेंट हर कैपेसिटर की एक लिमिट होती है कि इनके जो लाइफ साइकिल होती है इतने बाद जो है वो वीक हो जाते हैं या काम करना ठीक से काम नहीं करते। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि ज़्यादा दिन अगर यूज करते हैं तो उधर उसके रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा नहीं रह जाता। तो चेंज करने का जो प्रक्रिया है ये सारे बिजनेस मॉडल में चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पहले ऐसे कुछ फाउंडेशन नहीं थे और अब बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन को फेस करना होगा जो आने वाले ईयर में आपको स्टेप बाई स्टेप देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू दोस्तों। और इसी को देखते हुए हम इस सारे सिस्टम को हम आपको बताते चल रहे हैं जिसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, और कोई चीज़ रिपेयरिंग करने के लिए जो इजी मेथड है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और कैसे हम कोई चीज़ नया डिज़ाइन करें, कैसे बनाएं, कैसे आइडिया आए, जैसे कि हमने एग्जांपल पे बहुत छोटा सा बताया है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आपको हम शेयर करेंगे और उसके बेस पे आप भी अपने उसमें आइडिया लगाकर और उसे जो है और भी बेटर और भी बेस्ट बना सकते हैं या अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।